रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। हाथी ने किया हमला, एक महिला की मौत, एक घायल। रंका प्रखंड के चूटिया पंचायत के भौंवरी गांव में बीती रात हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है, वहीं एक लड़की हुई घायल। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि रात लगभग 12 बजे जंगली हाथी ने महिला ममता देवी को उठाकर पटक दिया एवं हाथी ने पैर से दबाकर उसे मार डाला, वहीं एक लड़की को भी उठाकर पटका, परंतु वह लड़की घायल है। इस संबंध में बताते चले कि हाथी के उत्पात से भौंवरी गांव के ग्रामीण काफी परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी का घर गिरा दे रहे हैं, तो वहीं घर में रखा अनाज भी खा जा रहे हैं। और तो और रात्रि में एक महिला को भी पटक कर मार देने से गांव के ग्रामीण काफी भयभीत और आक्रोशित दिख रहे हैं। इस संबंध में रंका वन विभाग के वनपाल राजू पांडे ने बताया कि हाथी के द्वारा पटक कर पैर से दबाकर मारने से एक महिला की मौत हुई है, जिसकी विभागीय प्रक्रिया करते हुए मृतक के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत लाभ दिया जाएगा। मौके पर मुख्यापति शंभु गुप्ता एवं गांव के ग्रामीण मौके पर उपस्थित थे। जनता समझाए, जनता को शासन समझाएंगे, जनता नहीं समझ पाएंगे अपने से। कब इनको हाथी किस रहा है? हाथी दबाया है। हाथी कब? 12 बजे रात में। इसके बाद आप लोग क्या किए? 12 बजे रात में इसको उठा करके एक्सरसाइज रखा गया। कोई प्रशासन, कोई यहाँ विभाग के आदमी नहीं पहुँचे। यहाँ तक कि कोई चौकीदार तक अभी तक नहीं पहुँचा। क्या शासन नहीं बोलता है कि फलाने गांव में घटना हो जाए तो कोई चौकीदार ना जाए, ना कोई प्रशासन जाए, ना कोई जनता जाए? इसी का अलाव नहीं है। शासन का रोटी खाने के लिए है, शासन के वेतन कमाने के लिए है, लेकिन ड्यूटी करने के लिए नहीं है। ड्यूटी न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। एक बच्ची घायल भी है। एक बच्ची घायल है? हाँ, घायल है। क्या नाम बच्ची का? सपना कुमारी। उम्र कितना का हो रहा है? 3 साल। इनका क्या नाम है? ममता कुमारी। कहाँ घर है इसका? पंचायत पंचायत में, चुटिया पंचायत में ना। हाँ, चमटोलिया में। ठीक। सर कुचल की महिला कुमारी मृत्यु बताया जाए? सर कुचला गया है और हम लोग मर्माहत भी हैं और संवेदक के साथ भी है, आश्रित के साथ भी है। तो बच्ची भी घायल भी है, तो उसको बड़ा सदर अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए और बाकी कार्य की प्रक्रिया के लिए। सर ग्रामीण से मांगे सर, यहाँ पे हाथी सर यहाँ पे किसी तरह से बहुत 4 साल विवत परेशान किया जा रहा है, यहाँ मांगे हाथी से यहाँ से कहीं समस्या है उसके लिए जो है आगे लिखा गया है ट्रैंकुलाइज करके उसमें जो है GPS लगाया जाएगा, जिधर जिधर हाथी जाएगा उसका रिपोर्ट हम लोग को मिलते जाएगा और उसी के हिसाब से जो है हम लोग आगे उसको लगाने का काम करेंगे। परिचय दिया जाए सर अपना? सर जी अपना परिचय दिया जाए। सर राजू पांडे, प्रभारी बन पा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथा शीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।